कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस गुड आफ्टरनून। तो आज मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है और सोचा था कि दोपहर में थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाऊंगी, तो एक दो मैंने बनाई भी है इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पे भी बनाना चाह रही थी, पर गर्मी इतनी गर्मी हो रही है। हेयर वॉश किए थे और अभी सूखे नहीं हैं। और मैंने आज ये अपनी ब्लैक वाली कुर्ती मैंने इसलिए पहन के इसको देखा, मैं देखना चाह रही थी कि मुझे अभी ये फिट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिट तो हो गई है। और अपनी ये स्कर्ट डाली थी। और मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है, बहुत दूर से आया है, वो हम आप लोगों को आज ओपन करके दिखाएंगे। शाम के टाइम पे दिखाऊंगी मैं, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं आराम करूंगी थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ा ठंडा मौसम होगा तब मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए, न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शाम को दिखाती हूँ। ओके, थोड़ी देर में मैं रेडी हुई थी रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रेडी हुई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ और आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं बना रही थी अभी शॉर्ट वीडियो और तो सोचा यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। तो बाहर शूट कर रही थी तो बाहर पंखा नहीं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो अंदर आ गए। तो चलिए, न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लास्ट तक रहें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और चलिए यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहना है ये ब्लैक सूट और ये ग्रीन प्लाजो और ये दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से, निगाहें न कर ले शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से, रुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा। ये गाना पता है जब हम लोग छोटे थे तो नानी के वहाँ जाते थे तो वहाँ मेला लगता था, तब ये गाना जरूर बजता था जब डांस होता था ना पूजा, रुपट्टा टाइटाइटाइटाइट, पता नहीं कौन सी म्यूजिक थी, हम मज़ेदार डांस करते थे यार। तो चलिए फिर बनी रही है। फिर अनिका अपने पापा की बाइक पे बैठी हुई थी और अचानक से वो अपने पापा को मिस करके रोने लगी और मैंने देखा तो मैं चुप करा रही थी, चुप हो जाओ, लेकिन उनको अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है तो यहाँ पे वो रो रही हैं। तो मेरे पुत्र रोते नहीं, मेरे बच्चे, माँ है तेरी तेरे साथ, तो तू क्यों रोती है मेरी लाडली, चुप हो जाओ, जल्दी चुप हो जाओ, चुप है, इनको चुप हो जाओ, एकदम चुप, हंसो आप, नहीं रो ना, प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं बोलो, मैं अनिका शर्मा शपथ लेती हूँ आज के बाद मेरे आँखों में ना कभी आंसू नहीं आएंगे और ना पॉटी आएगी और मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी, खाओ पियो ऐस करो, भगवान का भजन करो। गाइस तो अभी हो गया है शाम का 5:30 और 5:30 बजे देख सकते हो बहुत ही भयानक बारिश हो चुकी है हमारे वहाँ। और आप लोगों के वहाँ हुई है कि नहीं हुई है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बादल अभी भी हैं और बहुत भयानक सी बारिश अभी थमी हुई है। तो चलिए बने रहिए अभी आप लोग। फिर शाम को हो गई मंदिर में पूजा और दीपक भी जल गया है तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और अभी बने रहिए, ब्लॉग बाकी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए। अनिका को लेके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो इस तरीके से रोती है, और बच्चा जब मेरा रोता है ना तो मेरा दिल वाकई में बहुत ज़्यादा दुख जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपने बाबू को देख रही थी कि बिटिया तुम्हारी बहुत तुमको मिस करती है, क्यों होता है बच्चों के साथ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिन जिन बच्चों के फादर या मदर जो भी गए हुए हैं ना उनको नहीं जाना चाहिए ऐसे छोड़ के, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टूट से जाते हैं, मिस करते हैं, उनका बचपन ना चला सा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरे बाबू ने मुझे दिया था, वही रखा हुआ था तो मैं उसको देख रही थी, आप लोगों को भी दिखाया मैंने, ये मेरे बाबू ने मुझे दिया था
और आप लोग बताना, न्यू ईयर पे दिया था उन्होंने मुझे गिफ्ट, ये कैसा लगा आप लोगों को? और शायद मैंने इससे पहले दिखाया है आप लोगों को कि नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता। अनिका सो रही हैं, मैं सोच रही थी इनको अभी उठाऊंगी और थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, क्योंकि कल इनका पेपर है और वो थक गई है ना, पूरा दिन हो गया है तो सो गई। तो मैंने जगाया नहीं, मैंने कहा सो जाने दो, क्योंकि दोपहर में मेरा बच्चा सोता होता तो है नहीं। मुझे लगी है भूख, आज मैंने पूरा दिन हो गया खाना नहीं खाया है, सारा दिन हो गया है गाइस, निकल गया है और मेरे अब जाके भूख लगी। और मेरा मन कर रहा है मैं पार्ले जी बिस्किट लाऊं और दूध में डाल के खाऊं, खिलाना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत तेज़ से गला सूख रहा है, मुझे भूख लग गई है, अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने आपको आज अपने बाबू को दिखाया और बाबू का दिया हुआ गिफ्ट जो मुझे दिया था उन्होंने वो भी रखा हुआ है। मिस कर रही हूँ मैं बाबू को, बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, हो रही थी, अब तो बंद हो गई है। आप लोगों की तरफ हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। और चलिए फिर हम बिस्किट लेके आते हैं और खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। चलिए लाते हैं चल के बिस्किट। बारिश के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है बाहर निकलना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन भूख लगा है तो आए जाना तो पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है रात हो गई है, 5:30 बजा है और रात रात जैसा लग रहा है ना बारिश की वजह से। और ये देखिए अब सब जाके अपने घरों से निकले हैं, ना सभी पैक थे अपने अपने घर में। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शॉप पे, तो जिस शॉप पे गए ना तो इधर वाली तो शॉप बंद थी, तो हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। और बारिश की वजह से बहुत लोग फिसल फिसल के गिर रहे हैं, 2 बच्चे मेरे सामने गिरे थे बट उस टाइम पे कैमरा ऑफ था। और तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ दूसरी वाले शॉप पे और यहाँ से मैं लेके आऊँगी बिस्किट जो मुझे खाना है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। तो बिस्किट तो मुझे मिल गया है, तो किस किस को खाना है आ जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पे वैष्णवी का ये घर है गाइस, देख लीजिए आप लोग, ये वैष्णवी का घर था। तो मैं यहाँ पे जब तक आई तो थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा बचा दिया। और तब तक यहाँ पे छोटी वाली बिट्टू और वैष्णवी आ गई, तो वो कह रही थी मुझसे खुट्टी कर रही है बराबर, पता नहीं क्यों मुझसे वो नाराज़ है। चलिए फिर बने रहिए अभी आप लोग। तो देखा आप लोग, मम्मी मेरी यहाँ पे फालतू सीरियल देख रही हैं, और किस किस को फालतू सीरियल पसंद है देखना ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और तो अनिका सो रही थी, बिट्टू से कह रही थी उसे जगा दो, और अनिका रो धो के सो गई थी। जैसे तो आप लोगों ने देखा कि मम्मी मेरी फालतू सीरियल देख रही थी, बहुत लोग होंगे जो फालतू सीरियल को पसंद करते होंगे। पास में हो रही है लड़ाई हमारे मोहल्ले में, तो मम्मी फालतू सीरियल देख रही थी, मैं आ गई छत पे, छत पे इतना अच्छा मौसम है रील्स बनाने का, पर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि उधर घर पास में लड़ाई हो रही है, आप लोग सुनाई दे रहा होगा, तो मन नहीं कर रहा है मेरा। तो चलिए फिर अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। होप करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का भी ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को, जितने न्यू आए थे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा बेल आइकन के साथ में। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपना प्यार
अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो देखिएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।